हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश कुमार फ्रॉम जीपीएस एकेडमी हरिद्वारगंज अलीगढ़। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था आपको, जो दो रजिस्टर नंबर को ऐड करना, उसमें क्या था कि हमारे दोनों ही जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, लेकिन अब बात करते हैं हम दोनों ही डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले, जिसमें दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट होंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल ले रखा है आपकी बुक से ही है, ऐड 5/12 एंड 3/8। तो यहाँ क्या होगा कि हमको ये करना होगा कि दोनों जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। क्लियरली डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन नंबर आर पॉजिटिव। अब हम ये देखते हैं कि दोनों ही डिनोमिनेटर हमको हमारे पॉजिटिव में दे रखे हैं, तो हमारा ये चीज़ हमारी क्लियर है। द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 12 एंड 8 इज 24। यानी कि अगर हम 12 और 8 का डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, नाउ एक्सप्रेस 5/12 एंड 3/8 इनटू फॉर्म इन विच बोथ ऑफ द देम हैव द सेम डिनोमिनेटर 24। अब हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं कि हमारे दोनों के ही डिनोमिनेटर जो हैं वो 24 हो जाएं, क्योंकि हमारे दोनों डिफरेंट दे रखे हैं डिनोमिनेटर। अब दोनों डिनोमिनेटर को हम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ दे रखा है 5/12 दे रखा है, तो अब हमारा जो वो आया था एलसीएम आया था वो 24 आया था। तो यहाँ पर अगर हम 12 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 24 हो जाए, तो 12 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 24 हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 5/2 किया और 12/2 किया, तो हमारा हो गया 10/24। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा रेशियो नंबर है 3/8, उसमें हम अब देखते हैं कि 8 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 24 हो जाए। तो हम यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। जहाँ हमने डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई किया है तो उसको हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3/8 × 3, तो ये हो जाएगा 9/24 हो जाएगा। अब हमारा क्या हुआ कि दोनों के ये जो हमारे दे रखे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? हमारे सेम हो गए। अब सेम हम जिस तरीके से हमारे जो डिनोमिनेटर सेम होते थे हम उसको ऐड कर देते थे, उसी तरीके से अब हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये तो हमारा ऑलरेडी इसमें दे ही रखा है 5/12 + 3/8, तो ये 3/8 = क्या हो जाएगा? 10/24 + 9/24। तो हम कॉमन ले लेंगे इस 24 को, क्योंकि हमारा दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10/9, तो ये हो जाएगा आपका 19/24। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, ऐड 7/9 and 4। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो 4 है आपका, इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो फिर क्या ये ऐड हो सकता है? तो ऐड हो सकता है। जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। तो इसी तरीके से अब हमारा क्या है कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/1, तो हम यहाँ करेंगे ये हो जाएगा 4/1। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 9 है, तो हमारा अब हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 7/9 + 4/1 ये हो जाएगी। अब देखेंगे हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम कैसे कर सकते हैं। तो हम दोनों का क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 1 का 1 से भी डिवाइड 9 होता है, 9 से भी 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 4/1। अब इसका जो इसका तो ऑलरेडी आपको 9 दे रखा है, लेकिन हमको अब क्या करना है? इसका 9 करना है। तो यहाँ हम किससे करेंगे? 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाए, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/1 = 1 × 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। अब जब हमने डिनोमिनेटर में (9) किया है, तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे, तो 4 × 9/1 × 9, तो ये हो जाएगा 36/9। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 9 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 7/9 + 4, जैसे कि ये आपको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? 7/9 + 1 = 4/1। तो हमने ये जो न्यूमिनेटर में चेंज किया था,
डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों चेंज हो गए थे, तो यहाँ पर हमारा हो गया था एक तो यही है हमारा 7/9 प्लस ये क्या हो गया था हमारा 36/9। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 9 हो जाएगा। अब दोनों जो न्यूमिनेटर हैं उनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 36 = 43/9। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा।